नमस्कार, आज है 31 अक्टूबर 2020 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। आज की पहली खबर है, हिमाचल में 23 नवंबर से होगी डीएलएड की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड पार्ट 1 और 2 के नियमित एवं रीअपीयर परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 23 नवंबर से करवाएगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि वार्षिक परीक्षा संबंधित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर निजी डाइट में संचालित की जाएगी। डीएलएड पार्ट 1 बैच 2019 से 21 के नियमित परीक्षार्थियों की सभी विषयों और डीएलएड पार्ट 1 बैच 2018 से 20 रीअपीयर और फेल सभी विषयों की परीक्षाएं 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक डीएलएड पार्ट 2 और बैच 2018-20 के नियमित परीक्षार्थियों और रीअपीयर डीएलएड पार्ट 2 बैच 2017 से 19 के फेल और सभी विषयों के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक संचालित की जाएगी। आज की अगली खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने 1756 पदों समेत 42 पोस्ट कोड के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 42 विभिन्न पोस्ट कोड के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। आयोग ने दूसरी बार ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। आयोग इससे पूर्व 25 अक्टूबर को आवेदन की तिथि बढ़ा चुका है। चयन आयोग ने यह फैसला आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी आने के चलते लिया है। खांसी बुखार के लक्षण वाले शिक्षकों के स्कूल और कॉलेजों में आने पर रोक निर्देश जारी। हिमाचल में विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले ही करीब 25 शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से शिक्षा विभाग की परेशानियां बढ़ गई है। 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू करने से पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने खांसी बुखार जुकाम के लक्षणों वाले शिक्षकों के स्कूल कॉलेजों में आने पर रोक लगा दी। प्रिंसिपलों को स्कूल में अधिक एहतियात बरतने की सलाह देते हुए स्थानीय स्तर पर एडवाइजरी जारी करने को कहा है। बिना थर्मल स्क्रीनिंग किसी को भी प्रवेश न देने के निर्देश है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल और जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक में बीमारी का कोई लक्षण है तो वे स्कूल कॉलेज न आए। मंडी जिला में अब डॉक्यूमेंट्री से होगा नशे पर प्रहार एडीसी। नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर व्यापक प्रचार किया जाए। ये जानकारी मंडी जिला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों की समीक्षा करते हुए एडीसी जतिन लाल ने दी है। आज की कोरोना वायरस अपडेट, प्रदेश में 8 और संक्रमितों ने तोड़ा दम, 307 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में 8 और कोरोना संक्रमितों की मौत होगी। कोविड अस्पताल नीर चौक में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीवानंद चौहान ने तीनों की मौत होने की पुष्टि की है। कहा कि कुल्लू के टापरी गांव के 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। कुल्लू के ढालपुर के लंका बेकर निवासी 35 वर्षीय और लाहौल स्पीति के तिंदी के समीप बरौर निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग की कोविड अस्पताल उपचार के दौरान मौत हो गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाए युवक युवतियां, अधिकारी जागरूकता में कोई कमी न रखे डीसी। मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए युवक युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखे, ये निर्देश डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को कही है। आज के लिए खबर है, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर हुए होम आइसोलेट। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर 3 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एडवाइजरी के तहत वीरेंद्र कंवर जारी एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए घर पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान भी आम जनता से नहीं मिलेंगे और फोन के माध्यम से जनता से संपर्क में रहेंगे। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के चलते दी हिदायतों की पालना करने का आग्रह किया ताकि खुद को और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। आज की अगली खबर है, चंबा से सुनला में कार दुर्घटना, एक की मौत, एक घायल। चंबा सुलूनी मार्ग पर सुनला जीरो पॉइंट के निकट एक कार दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में व्यक्ति की मौत होगी, इसके अलावा एक अन्य घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया जहां उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सिलाव से सेब की 449 पेटियां लेकर बिहार गया ट्रक चालक फरार। पुलिस थाना कुमारसेन के अंतर्गत सिलाव से बिहार सेब की 449 पेटियों सहित ट्रक चालक फरार हो गया। इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन कुमारसेन में सुनील कुमार गांव कोटाडी तहसील रोहडू ने शिकायत दर्ज करवाई है। आज की अगली खबर है, अवैध रेत ले जा रहे 5 वाहन पकड़े, वसूला 22,500 रुपए जुर्माना।
जिला किन्नौर पुलिस ने कानून माफी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके तहत रिकांगपियो थाना की पुलिस टीम ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सोंग टोंग पुल पूर्वनी चूला के पास अवैध रूप रेता ले जा रही 5 पिकअप गाड़ियों को पकड़ा। जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक किन्नौर एस आर राणा ने बताया कि रिकांगपियो थाना की पुलिस टीम द्वारा एएसआई नरेंद्र कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तो सोंग टोंग पुल पूर्वनी झूला के पास 5 पिकअप गाड़ियां अवैध रूप से रेत ले जा रही थी, जिस पर पुलिस ने 5 गाड़ियों को मौके पर पकड़कर 22,500 रुपए जुर्माना वसूला और खनन अधिनियम के तहत चालान किए। किन्नौर में हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ आए 43 मामले। जिला किन्नौर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। जिला किन्नौर में शुक्रवार को भारी कोरोना विस्फोट हुआ है, एक साथ 43 कोरोना के मामले आए। जिला किन्नौर में पहली बार एक साथ इतने अधिक मामले आए हैं। जानकारी देते हुए सीएमओ किन्नौर सोनम नेगी ने बताया कि इनमें से जेएसडब्ल्यू के कक्षताल कैंप में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 15 अधिकारियों को बदला। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में फिर से तबादले किए गए। जारी तबादला आदेशों में 19 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार को कांगड़ा से, 5वीं आरआरबी बस से बिलासपुर लगाया गया। अभिमन्यु वर्मा को रामपुर शिमला से, एसडीपीओ नैना देवी जी बिलासपुर लगाया गया। आज के लिए खबर है, छात्रों को रात फाइनल परीक्षाओं के लिए 75% हाजिरी की जरूरत नहीं। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले परीक्षार्थियों के लिए फाइनल परीक्षाओं में 75% की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए। वहीं स्कूलों में भी स्पष्ट कर दिए गए कि वे छात्रों को हाजिरी के लिए दबाव ना बनाएं। बोर्ड एग्जाम में भी छात्रों की हाजिरी को इस बार अनिवार्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि एचपी बोर्ड की ओर से बोर्ड के एग्जाम में 75% की हाजिरी पूरी करने के बाद ही छात्रों को रोल नंबर जारी किए जाते थे। इसके बाद ही परीक्षाओं में छात्रों को बैठने दिया जाता था। 75% हाजिरी पूरी होने के बाद बोर्ड एग्जाम में कुछ प्रतिशत अंक अटेंडेंस से जोड़े जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से अब राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र में 75% की हाजिरी को लागू अनिवार्यता से हटा दिया। हिमाचल के 12 जिलों में इस दिन होगा जनमंच कार्यक्रम, शेड्यूल हुआ जारी। कोरोना महामारी के बीच देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते हिमाचल में फरवरी से बंद जनमंच कार्यक्रम 8 नवंबर से दोबारा शुरू हो रहा है। लोगों की समस्याएं एक बार फिर घर द्वार हल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री पहुंचेंगे। इसे हाल ही में हुई बैठक में मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप परनागर ने जनमंच कार्यक्रमों की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार शिमला के ट्योग, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर चंबा के पांगी में लोगों की समस्याएं 8 नवंबर को हल करेंगे। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सिरमौर के रेणुका, जनजातीय और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के काजा में मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर मंडी के पदर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ऊना के हरोली, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह कुल्लू, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल किन्नौर, ऊर्जा मंत्री सुखराम सोलन की अर्की, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैद्यनाथ, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग हमीरपुर के बड़सर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर सदर के जनमंच में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस जनमंच कार्यक्रम में सरवीन चौधरी जो मिनिस्टर है उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। स्कूल कोचों में एक सीट छोड़कर कक्षों में बिठाए जाएंगे विद्यार्थी, एसओपी जारी। 2 नवंबर से प्रदेश के स्कूल कोचों में शुरू होने जा रहे नियमित कक्षों में विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने नियमित कक्षाएं शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षकों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क पहनने पर ही परिसरों में प्रवेश मिलेगा। प्रिंसिपलों की देखरेख में रोजाना शिक्षण संस्थान सैनिटाइजेशन करवाने होंगे। इसके अलावा कक्षों में सीटिंग प्लान तय करने को स्कूल कोचों की विशेष कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज के लिए खबर है, एचआरटीसी से एचआरटीसी बसों को नहीं मिल रही सवारियां, बंद हो गए 70 रूट। कोरोना काल के बीच लोगों के लिए शुरू की गई हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों को मुसाफिर नहीं मिल रहे हैं। कई रूटों पर ये बसें खाली दौड़ रही आए होना तो दूर डीजल के पैसे निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में करीब 70 रूटों को बंद करने की तैयारी है। लोगों की मांग के बाद इन रूटों को बहाल किया गया था, लेकिन अब सवारियां नहीं मिल रही है। इन रूटों से निगम की 30% तक भी आय नहीं हो रही है, लिहाजा एक एक करके इन रूटों को बसें भेजना बंद कर दी जाएगी। हिमाचल में परिवहन निगम के बेड़े में 3100 बसें, जबकि रूटों की संख्या 2900 है। इनमें से 1800 रूटों पर परिवहन निगम की बसें दौड़ रही है। निगम का मानना है कि लॉन्ग रूटों के लिए सवारियां मिल रही है, 30 से 35 किलोमीटर वाले रूटों पर सवारियां नहीं मिल रही है।
छुट्टी वाले दिन तो ये बसें खाली दौड़ती है। बाहरी राज्य और नाइट रूटों पर चल रही बसों में निगम को ठीक आय हो रही है। इन दिनों बसों में 70% ऑक्युपेंसी है। प्रदेश सरकार दिल्ली के लिए भी बसें चलाना चाहती है, लेकिन केजरीवाल सरकार फिलहाल बसें भेजने को मना कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।